आप सभी का ब्रेक के बाद आप बात करेंगे बजट सत्र की। विधानसभा के बजट सत्र का आठवां दिन सदन में प्रश्नकाल में विधायकों ने कई मामलों को उठाया है, वही शून्यकाल में सवाल जवाब का दौर चला है। विधायकों के सवाल पर संबंधित मंत्रियों ने अपना जवाब रखा है। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने ध्यानाकर्षण सवाल का जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराएगी। मंत्री ने कहा है कि चुनाव रोकने से केंद्र से आवंटन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण के लिए आयोग गठित करेगी। आरक्षण का मामला संवेदनशील है। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देगी, इस पर अध्ययन हो रहा है। तो सीधे हम रुख करेंगे विधानसभा का, जहां हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। विपिन, आठवें दिन आज क्या कुछ आज सदन में रहा, कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, क्या कुछ जवाब आया संबंधित मंत्रियों की तरफ से? जिनके सदन की कार्यवाही को कल दिन के 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है सारे कल, क्योंकि जिस तरह से अभी बीते 8 दिनों के सत्र की कार्यवाही के दौरान जो ध्यानाकर्षण की सूचनाएं हैं वो लंबी उनकी पेंडिंग की लिस्ट जो थी वो होती जा रही थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आज ये निर्देश दिया कि कल सदन की कार्यवाही सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो लंबी ध्यानाकर्षण की सूचनाएं हैं उसे सदन में कल विधायक जो है वो प्रस्तुत करेंगे, उस पर सदन में चर्चा होगी और मंत्री जो है वो उस पर जवाब देंगे। और आज की अगर बात करें तो द्वितीय पाली की कार्रवाई में पेयजल स्वच्छता एवं जल संसाधन विभाग के अनुदान की मांग पर चर्चा हुई। इस दौरान कई विषयों पर विपक्ष ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया और जिस तरह से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जो चीफ इंजीनियर बनाने को लेकर रघुनंदन शर्मा का नाम उछलकर सामने आ रहा था, उस पर भी जो कटौती का प्रस्ताव लाया था विरंची नारायण ने, उन्होंने कहा कि एक भ्रष्ट अधिकारी को आखिरकार किस तरह से एक विभाग का चीफ इंजीनियर बनाने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया, चाहे वो लंबित जो सिंचाई परियोजनाएं हो, जो जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, और किस तरह से ओडीएफ को लेकर सदन में चर्चा हुई कि ओडीएफ जो है वो आनन फानन में पूर्व की सरकार ने घोषित किया था राज्य को, और जबकि वस्तु स्थिति अभी ये है कि अभी भी राज्य जो है वो पूरी तरह से ओडीएफ नहीं हो सका है। अगर विपक्ष के साथ साथ कुछ विषयों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, जिस तरह से लिट्टीपाड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं दिनेश विलियम्स मरांडी, उन्होंने टिप्पणी करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर कहा कि मंत्री जी को गढ़वा छोड़कर बाकी बचे हुए 23 जिलों का भी ख्याल रखना चाहिए, अन्य जिले भी इसी राज्य का हिस्सा है। और इसी तरीके से ममता देवी ने भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की बात की, और जिस तरह से ममता देवी आज चर्चा में भाग ले रही थी तो स्पीकर ने उनके तैयारियों की सराहना भी की है, तो एक बेहतर माहौल सदन में देखने को मिला। और जब सरकार का उत्तर मंत्री मिथिलेश ठाकुर दे रहे थे तो बीजेपी के विधायकों ने सरकार के उत्तर के प्रति असंतुष्टता जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गया, और जिसके बाद सरकार का उत्तर सदन में पूरा किया गया मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा। और अगर पहली पाली की आज बात करें तो कई महत्वपूर्ण सवाल थे। एक जो मामला आया था हिट एंड रन का, अब तक बीते 5 वर्षों में क्या कुछ आंकड़ा रहा है राज्य में, कितने हिट एंड रन के केस हुए हैं, इस हिट एंड रन केस के जो मृतक हो या फिर घायल हो उनके परिजनों को क्या कुछ मुआवजा सरकार ने दिया है, तो इस पर जो सरकार का उत्तर आ रहा था जिस पर कई विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि इस सवाल को आज स्थगित कर देना चाहिए और विभाग को चाहिए कि आपदा प्रबंधन विभाग और परिवहन विभाग एकमुश्त इस सवाल का अध्ययन करके ठोस जवाब सदन में दे। ठीक इसी तरीके से मथुरा महतो ने जो कोविड पीरियड रहा था उस दौरान जो स्कूल बंद पड़े थे तो स्कूल के बंद अवधि के दौरान जो बसों के रोड टैक्स है उसको माफ करने का मामला उठाया, जिस पर सरकार की तरफ से जवाब आया है कि शुरुआती 12 महीने का टैक्स माफ किया जा चुका है, जो बचा हुआ समय है क्योंकि 7 तारीख से स्कूल दोबारा खुले हैं, उससे पहले स्कूल बंद थे, तो ऐसे में जो बचे हुए समय है उसका भी अध्ययन करा के सरकार जो है वो जो रोड टैक्स है वो माफ कर देगी। ठीक इसी तरीके से ध्यानाकर्षण में पंचायत चुनाव
चुनाव कराने का एक महत्वपूर्ण मसला आया था, जिस तरह से पहले भी हम लोगों ने दिखाया था कि सरकार ने यह कहा है कि सरकार के ऊपर यह बाध्यता है कि अगर अभी पंचायत के चुनाव नहीं कराती है तो केंद्र की तरफ से फंड जो है 15वें वित्त आयोग का वो रुक जाएगा, इसलिए आज सरकार अभी जो है वो पुरानी व्यवस्था के तहत ही पंचायत के चुनाव कराएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रियायत दे रखी है कि जिन राज्यों में अति आवश्यक है पंचायत का चुनाव होना वहां पर जो ओबीसी आरक्षण का मसला जिसे कि बढ़ाकर चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है तो उसे वो शिथिल करते हुए सरकार अति आवश्यकता को लेकर चुनाव करा सकती है, इसलिए हाजा झारखंड में जो पंचायत के चुनाव प्रस्तावित है वो पुरानी जो व्यवस्था है उसी के तहत होगी। जी सारिफ, चलिए, तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए और उसका जवाब भी संबंधित विभाग के मंत्रियों के द्वारा दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका विपिन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।